अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग वड़ा यानी मूंग के पकौड़ों की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो फिर चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। मूंग पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है अराउंड 250 ग्राम मूंग। इसे मैंने भिगोया था 8 आवर्स के लिए, और भिगोने के बाद हम इसे ऐड करेंगे मिक्सर जार में। सो पूरी मूंग को मैं इस तरह से मिक्सर जार में ऐड करूँगी, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च मैं इसमें ऐड करूंगी। काली मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और फिर थोड़ा सा पानी मैं ऐड करके इसका एक इस तरह से पेस्ट बनाऊंगी। ज़्यादा स्मूथ पेस्ट आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल इस तरह से कोर्सली बनाना है। सो ये पूरा जो पेस्ट है मैंने एक बॉल में निकाल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी हरी धनिया, चॉप की हुई 1 प्याज को मैंने इसमें ऐड किया है। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1 टीस्पून नमक, और हाफ पिंच मैंने इसमें ऐड किया है सोडा पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। तो अब ये बिल्कुल रेडी है पकोड़े बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने तेल गरम किया है यहाँ पे कढ़ाई में, और एक एक करके मैं इस तरह से बैटर को इसमें डिप करूँगी और इसके पकोड़े बनाऊँगी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं इसका फ्लेम थोड़ा स्लो कर दूँगी अब, ताकि पकोड़े जो है अच्छे से अंदर से पक जाए और बाहर से क्रिस्पी हो जाए। जब इसका कलर हल्के से एक साइड से चेंज हो जाए, तो आप इसे दूसरी तरफ से भी टर्न करके इस तरह से फ्राई कीजिए। सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं पकोड़े जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसे हम गर्मा गर्म चटनी या सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।